हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिने जाने वाले देश के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड देश की सैर कराने वाले हैं और न्यूजीलैंड के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है न्यूजीलैंड एक द्वीप है जो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। इसका उत्तर और दक्षिण द्वीप सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला है। न्यूजीलैंड देश की कुल जनसंख्या 4.4 मिलियन है। न्यूजीलैंड देश में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और यहाँ पर 78% लोग यूरोपीय मूल के हैं। इस देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। न्यूजीलैंड के संविधान के अनुसार यहाँ के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और वेलिंगटन ही इस देश का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में तकरीबन 3,95,000 लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड में रहने वाले कुल जीवों में केवल 5% ही मानव जाति है, बाकी यहाँ पर सिर्फ पशु और पक्षियों की प्रजातियाँ ही रहती है। न्यूजीलैंड की कुल GDP तकरीबन $161 बिलियन के करीब है और प्रति व्यक्ति GDP $36,648 है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं, न्यूजीलैंड की आधिकारिक मुद्रा का नाम न्यूजीलैंड डॉलर है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड का कोई भी हिस्सा समुद्र से 128 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। न्यूजीलैंड देश के लोग पेपर मनी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग सामान खरीदने के लिए पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। न्यूजीलैंड के समुद्र में दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन भी पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि न्यूजीलैंड की धरती सांपों के लिए बनी ही नहीं है। अमूमन हर देश का एक राष्ट्रगान होता है, लेकिन क्या आपको पता है न्यूजीलैंड में दो राष्ट्रगान है, गॉड सेव द क्वीन और गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड। इस देश के दो राष्ट्रगान हैं। न्यूजीलैंड देश दुनिया के छोटे देशों में शामिल है, यही कारण है कि यह अपना अधिकांश सामान चीन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से इंपोर्ट करता है। न्यूजीलैंड देश में 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी नाम से भी पुकारा जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को यह नाम इस देश में पाए जाने वाले कीवी नाम के पक्षी से मिला है, जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। न्यूजीलैंड के बारे में एक रोचक फैक्ट यह भी है कि न्यूजीलैंड में आज के समय में जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो जापान में वेडिंग मशीनें हैं। न्यूजीलैंड के प्रमुख शहरों में से एक ऑकलैंड दुनिया का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति नाव वाला शहर है। इसी कारण इस शहर को सेलों का शहर भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर ज्वालामुखी के लिए भी जाना जाता है। इसके इलाके में 50 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। न्यूजीलैंड के लोग अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ के लोगों को पैदल चलना काफ़ी रास आता है, जिसे यहाँ ट्रम्पिंग कहा जाता है, और यह देश की सबसे लोकप्रिय एक्टिविटी में से एक है। न्यूजीलैंड देश दुनिया का ऊन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। न्यूजीलैंड में इतनी ज़्यादा भेड़ें हैं कि उनकी संख्या इंसानों से 9 गुना ज़्यादा है। न्यूजीलैंड का सबसे ज़्यादा पालतू पशु भेड़ है। न्यूजीलैंड में औसतन एक व्यक्ति के पास 9 भेड़ है। न्यूजीलैंड के अधिकांश किसान भेड़ से ऊन व मांस प्राप्त करके बाजारों में बेचने का काम ज़्यादा करते हैं। क्या आप जानते हैं सन 1893 में न्यूजीलैंड अपने देश की महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। न्यूजीलैंड देश बाहर से आने वाले लोगों को काफ़ी पसंद आता है। यही कारण है कि इस देश में दूसरे देशों से आकर बसे लोगों की जनसंख्या इस देश की कुल आबादी का 22% है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर इस देश की 3/4 से ज़्यादा आबादी निवास करती है। बंजी जंपिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं बंजी जंपिंग की शुरुआत न्यूजीलैंड से ही हुई थी। न्यूजीलैंड देश में एक खास तरह का फल पाया जाता है, जिसे कीवी कहा जाता है, और यह फल न्यूजीलैंड देश की पहचान भी बन चुका है। न्यूजीलैंड देश की आबादी भले ही कम हो, लेकिन इस देश के लोगों की स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी है। यही कारण है कि यह देश दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश है। यह देश अपनी खूबसूरती के लिए तो पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली ब्लू लेक दुनिया में सबसे साफ पानी की लेक है। दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। क्या आप जानते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के ही निवासी थे। पेंगुइन की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ भी न्यूजीलैंड में ही पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड में किया नाम का एक दिलचस्प पक्षी भी पाया जाता है, जिसे पहाड़ों का जोकर के नाम से जाना जाता है।
न्यूजीलैंड में एक अजीब तरह का कानून भी है जिसके अनुसार इस देश में क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन टीवी पर एडवर्टाइज नहीं आते हैं। न्यूजीलैंड में खास तरह का पेड़ भी पाया जाता है जिसे वेपुआ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। इस देश में 15 साल के बच्चे भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दुनिया के बेहद खूबसूरत देशों में से और अपनी एक अलग पहचान रखने वाले देश न्यूजीलैंड के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। न्यूजीलैंड के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और देश की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।